हापुड़ पुलिस प्रशासन ने किया गांव गांव जन चौपाल कार्यक्रम। हापुड़ के कस्बा पिलखुवा में पुलिस प्रशासन द्वारा वरुण मिश्रा क्षेत्राधिकारी पिलखुवा व मुनीश प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में ग्राम सिखेड़ा व भोवापुर में पूरी टीम के साथ जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां समस्त ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। ग्रामीणों से इंडिया रिपब्लिक 24/7 न्यूज टीम के मंडल प्रभारी मेरठ अशोक कुमार व सहयोगी आरिफ खान द्वारा चर्चा की तो सभी ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया व पुलिस प्रशासन के कार्य की सराहना की। मंडल प्रभारी मेरठ अशोक कुमार व सहयोगी आरिफ खान। कहाँ से? यहाँ कौन से गांव से? सिखेड़ा। तो आज ये यहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम हुआ, लोग एकत्रित हुए हैं, क्या प्रोग्राम हुआ? सरकारी तरफ से ही जन चौपाल ले कोतवाल साहब आए गाँव में और पुलिस आई। आपने क्या समस्या रखी? आप हम तो समस्या के ये गाय जो है नील घोड़े गाय जो घूम रही है इनका जो है समाधान कराएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ऋषिपाल गिरी है। कौन सा गांव है, कौन सी जगह? भोवापुर है। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, जो लोग समुदाय इकट्ठे हुए हैं, क्या किस प्रोग्राम के लिए गए? ये शांति के लिए हुए हैं और हम आपसे भी और उनसे भी कहा है कि जो हमारे गांव के खेतों के जो रास्ते हैं चक्रोड हैं, कुछ लोग फैक्ट्री के कुछ गाँव के लुंडिहार जो पेड़ों के तले बैठती है, दारू पीती है, हमारी बहन बेटी को निकलना भी मौत हो रहा है। तो प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं आपने? हमने प्रशासन के सामने भी आज समस्या रख दी है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कह दिया कि इन पर देखभाल की जाएगी, 4 बजे से और 11 बजे तक खेतों पर जो चक्रोड़ है उन पर पेड़ों के तले जो बैठती है लुंडिया दारू पीती है। तो जो ये चारों तरफ का ही किस्सा यू है, लगभग कितने समय से चल रही है ये? यू 1 साल से चल रहा है। नाम भैया आपका? गिरी नाम है मेरा। कौन सा गांव? भोवापुर। तो क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, क्या कार्यक्रम? ये अधिकारी आए हैं सब समस्या सुनने गाँव की। क्या समस्या है आपको, कुछ परेशानी हो बताओ। लोग थाने नहीं जाना चाहते, उनके लिए जन चौपाल का एक कानून बनाया लोगों की समस्या सुनने के लिए। जिस प्रकार की समस्या है तो लिख के दे दें इंस्पेक्टर साहब से, वह जिस विभाग की समस्या है वहाँ पहुँचा दें। नहीं हल। लगभग कितनी समस्याएं आई होंगी आज यहाँ पर? आज 4 आई हैं। तो उनका निस्तारण हो रहा है? निस्तारण हो जाएगा, ये लिख कर दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी जन चौपाल हुई होगी? नहीं, पहली बार। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुई है? फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब शुरुआत हुई। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्बास, ग्राम प्रधान से कह रहा हूँ। ग्राम सर, क्या प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, किस लिए यहाँ पर? जो कानून बनाया कि जो लोग थाने नहीं जाना चाहते उनके लिए जन चौपाल का एक कानून बनाया लोगों की समस्या सुनने के लिए। जिस प्रकार की समस्या है वो लिख के दे दें इंस्पेक्टर साहब को, वो जिस विभाग की समस्या है वहाँ पहुँचा दें। यही हल। तो लगभग कितनी समस्याएं आई होंगी आज यहाँ पर? आज 4 आई हैं जी। निस्तारण हो रहा है? निस्तारण हो जाएगा, ये लिख के दे रहे हैं। इससे पहले भी जन चौपाल हुई होगी? नहीं, पहली बार। फर्स्ट टाइम हुई है? फर्स्ट टाइम। मैं ग्राम प्रधान पति हेमंत पाल। तो आज यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, क्या प्रोग्राम हुआ है, किस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं ये सर? ये कुछ अधिकारी आए थे जो कि आपके द्वार तक जो भी कुछ समस्या है वो उन्होंने आ गए हैं बूझी, उन्होंने समस्या बताई भी गई, उन्होंने उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया है। और एक कल झगड़ा भी हुआ था गाँव में, उसका भी निस्तारण करने का आश्वासन दिया। तो लगभग आज कितनी शिकायत आई प्रधान जी? आज कम से कम 10-12 शिकायत थी, गाँव की भी शिकायत थी, कुछ कल झगड़े की भी थी। तालाब वाले भी शिकायत थे? तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा कुछ बच्चों का ही था स्कूल में, पर उसके चक्कर में बड़ों में भी हो गया। नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम बनियाद अली है। तो कौन सी जगह है यहाँ पर? ये जूनियर हाई स्कूल सिखेड़ा। आज जो यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, किस लिए हुए हैं, क्या प्रोग्राम हुआ? आज ये सरकार की तरफ से जो आदेश हुए हैं जन चौपाल लगने के, उसके लिए यहाँ पर पुलिस और जो अधिकारी आए हैं समस्या सुनने के लिए। वो सारी समस्या जो है, जिसकी समस्या थी वो बदला दी गई है और कुछ लिखित में दे दी गई है। तो लगभग कितनी समस्याएं आई होंगी आज की? समस्या आज ज़्यादा ज़्यादा 2 आई होंगी, और तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है। तो और उसमें अगर मामले हैं या सिविल में मामले हैं, उसके अतिरिक्त जो प्रकरण पुलिस 2 पक्षों को बैठा के करा सकती है, या कोई मुकदमे से संबंधित बात है,
उसके लिए आप हमें यहाँ पर, हम लोग इसलिए आए हैं कि अगर आपको कोई संकोच हो या जा नहीं पा रहे किसी कारण, तो आप यहाँ पर आकर के हमें अपना जो भी शिकायत है वो लिख करके दे दें, हम लोग उसको प्राथमिकता पर लेकर के निस्तारण करेंगे। आपके गांव के अतिरिक्त अन्य 3-4 गाँव में भी हम लोगों ने चौपाल लगाई है, लगा रहे हैं, ताकि आप लोग भी संकोच होकर के हमारे सामने अपनी समस्या रख सकें और हम लोग उसको गांव के स्तर पर ही जैसे कोई बात है तो तुरंत जा कर के देख भी सकते हैं क्या है, क्या सही क्या गलत अपने हिसाब से, और प्रयास करेंगे कि अगर दो पक्षों में है तो उनको बैठा करके निस्तारण कराया जाए। यही हमारा उद्देश्य है, आज हम उपस्थित हैं, कल अगले संडे को हो सकता है 3-4 उपस्थित हों, हो सकता है कप्तान साहब उपस्थित हों, तो प्रयास यही रहेगा कि आप लोग की जो भी समस्याएं हैं उनको सुन करके और मौके पर ही निस्तारण किया जाए। मुझे बस इतना ही कहना था, आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग को कोई बात रखनी हो तो हम लोग के सामने प्रधान प्रतिनिधि हैं और भी आपके गाँव के वरिष्ठ लोग रहे से संबंधित, मुख्य रूप से यही 4-5 तरीके की समस्याएं आती हैं, पानी है, नाली है, इस तरीके की समस्याएं हमारे पास आती भी हैं। इसके लिए सरकार ने विशेष दिन भी निर्धारित किए हैं, शनिवार, चारों शनिवार, पहले और तीसरे पर तहसील दिवस, तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगता है। इस काम के लिए है, जैसे कोई रिश्तेदार आ जाता है तो उसकी गाड़ी घोड़ा वहाँ खड़ी हो जाए अच्छी बात, कोई प्रोग्राम है वहाँ प्रोग्राम हो जाए तो अच्छी बात है, जैसे भीड़ है तो आज जो ये प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम किया है, इसके लिए क्या 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 समस्याएं आई हैं? ये शासन का जो निर्देश है कि सारी प्रकार की जनता की समस्याओं को उनके पास पहुंचकर उनकी जानकारी करके और विधिवत जो भी विधिक समस्याओं का निस्तारण है वो किया जाए, उसी क्रम में जनपद हापुड़ की पुलिस द्वारा, आपकी पुलिस आपके द्वार, जन चौपाल का आयोजन यहाँ किया गया था। यहाँ जो भी समस्याएं आई हैं, पूर्व में अभी विगत समय में कुछ दो पक्षों में मारपीट का भी प्रकरण था, इसके अतिरिक्त अतिक्रमण और कुछ असामाजिक तत्वों के संबंध में जो हमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसके निस्तारण के लिए हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। समस्याएं नोट कर ली गई हैं और जो हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं उनका भी विधिवत निस्तारण हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, ये चौपाल का प्रोग्राम ये कंटिन्यू चलता रहेगा या सीमित है? निश्चय ही ये एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, विभिन्न नामों से होती है, और इस समय हम लोग का जो अभियान जो आपकी पुलिस आपके द्वार चल रहा है ये अभी भविष्य में भी चलता रहेगा और हम लोग इसी प्रकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएँ सुनकर उनका निस्तारण करेंगे। Thank you.